दोस्तों इस समय हम हैं अयोध्या धर्मपथ पे। हमने दिन की वीडियो दिखाई है नाइट में किस तरह ये सजा है और सजाया जा रहा है किस तरह है वो हम आज आप सभी को दिखाएंगे। यहीं से हम शुरुआत करते हैं और यहां से हम लेके चलते हैं आप सभी को लता मंगेशकर के चौक के तरफ। और ये देखिए दोस्तों किस तरह से राम अस्तम लग रहा है, आप देखिए किस तरह से इसमें सजाया गया है और किस तरह लग रहा है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। जय श्री राम। मैं मनोज अयोध्या वाले आप सभी का अपने न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आया हूं आज धर्मपथ मार्ग और आप दिन का हमने वीडियो आप सभी को दिखाया हूं और लेके चलते हैं आप नाइट का वीडियो दिखाते हैं किस तरह सजाया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा को लेके कैसे सजा है वो आप सभी को हम दिखाने वाले हैं आज। तो देखिए दोस्तों किस तरह से ये सजा दिया गया है प्राण प्रतिष्ठा के पहले और किस तरह लग रहा है इसका, मानो दीपावली हो गया है। और सबसे खूबसूरत ये कहा जाएगा और इस समय दोस्तों अयोध्या भक्तिमय हो गया है, पूरा भक्ति में रम गया है। और जिस तरह से ये सजाया गया है दोनों तरफ, उस साइड हम दिखा दें आप सभी को, ये आप देखिए किस तरह से दोस्तों ये जो गेट बनाया जा रहा है इसमें फूल वगैरह लगने हैं और दोनों साइड से झंडे लग रहे हैं, ये आप देखिए। और ये जो बीच की लैंप हैं और डिवाइडर के बीच के लैंप हैं, इसमें सब में दोनों साइड से स्पीकर लगा है, बीच वाले डिवाइडर में नहीं लगा है, बीच वाले लाइट में, सॉरी लाइट में नहीं लगा है। और ये देखिए किस तरह से झंडा आया है, ये लगाया जाएगा दोनों साइड से, ये आप देखिए लगा भी है कहीं कहीं, ये आप देखिए किस तरह से लग रहा है। और आने वाले 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में उसके उपलक्ष में बहुत सारी चीज़ें सजाई गई है और संवारी गई है और जगह जगह बहुत सारे प्रोग्राम भी हो रहे हैं, भंडारा करा रहे हैं भाई बहुत लोग सब। ये आप देखिए इसका व्यू नाइट का किस तरह लग रहा है। दोस्तों इस समय हम हैं अयोध्या धर्मपथ पे। हमने दिन की वीडियो दिखाई है नाइट में किस तरह ये सजा है और सजाया जा रहा है किस तरह है वो हम आज आप सभी को दिखाएंगे। दोस्तों इस समय जगह जगह आप देखिए किस तरह से हीटर बन गया है, हीटर लग गया है ठंडी में कोई तकलीफ ना हो। तो दोस्तों यहीं से हम शुरुआत करते हैं और यहां से हम लेके चलते हैं आप सभी को लता मंगेशकर के चौक के तरफ। और ये देखिए दोस्तों किस तरह से राम अस्तम लग रहा है, आप देखिए किस तरह से इसमें सजाया गया है और किस तरह लग रहा है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों प्रभु श्री रामचंद्र जी का धरातल है और उनको जगह जगह उनकी ये देखिए पोस्टर लगे हैं, ये आप देखिए किस तरह से। और बीच में आपको दिखाते हैं, ये देखिए बीच वाले जो लाइट है उसमें जय श्री राम लिखा है, मंदिर का आकार बना है, वो भी पोस्टर ही है भाई, ये आप देखिए। और बहुत ही खूबसूरत एक हमको दिखा है वो आप सभी को हम दिखाते हैं किस तरह दिख रहा है। और ये देखिए पेड़ में कितना खूबसूरत लाइट है और ऐसे थोड़ा एक दो तीन पेड़ों में इधर लगा है, आगे भी लगा है, ये देखिए आपको ऊपर करके दिखाता हूँ भाई। वीडियो में उतना अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन ऐसे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई, कई पेड़ हैं यहाँ, जितने पेड़ हैं सारे पेड़ों में लगा है, ये आप देखिए। ऐसे तो आपको नहीं दिखता होगा अच्छा, लेकिन बहुत खूबसूरत है भाई, ये जिस तरह लग रहा है बहुत खूबसूरत लग रहा है।
और ये टोकरी जो है वाइट की है और वाइट बल्ब भी है। ये उस साइड दिखा दें, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों फूलों से सज गया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की मूर्ति भी लगी है, ये देखिए किस तरह से फूल लगाए जा रहे हैं। ये आप देखिए कैसे जय श्री राम लिखा है और मंदिर का उसमें स्वरूप दिया गया है। तो दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम बताते हैं, ये देखिए मंच लगा हुआ है और इसमें का नित्य कार्यक्रम होगा। ये जो मंच लगा है और यहाँ पे जगह जगह कार्यक्रम होते रहे हैं। ये देखिए राम पैड़ी में जैसे हुआ और तुलसी उद्यान हुआ और लता मंगेशकर चौक हुआ, जगह जगह कुछ ना कुछ। ये आप देखिए किस तरह चालू है, ये आप देखिए राम घाट। ऐसे तो नहीं दिख रहा भाई, बहुत अच्छा लग रहा है नाइट में, डे से अच्छा तो नाइट में दिख रहा है भाई। ये जो झंडा है ये दोस्तों जो झंडा देख रहे हैं सब में श्री रामचंद्र जी की फोटो है, श्री रामचंद्र जी की इसमें। ये देखिए दोस्तों हनुमान गुफा पंचकोसी परिक्रमा, ये मार्ग है, ये आप देखिए। और यहाँ पे भंडारा भी चालू है, ये आप देख पाते होंगे जगह जगह भंडारे भी हो रहे हैं। और ये देखिए यहाँ भी एक सूर्य अस्तम है, ये देखिए दोस्तों नाइट में भी पानी डाला जा रहा है फूलों पर। दोस्तों मैंने आप सभी को लेफ्ट साइड की ज़्यादा वीडियो दिखाई और लेफ्ट साइड हमें ज़्यादा अच्छा लगा, हमने सोचा आपको भी लगेगा। और राइट साइड, ये है राइट साइड, हम लता मंगेशकर चौक जाते हैं तो, और बहुत ही खूबसूरत इसमें इसके आजू रोड के भी अगल बगल बहुत ही अच्छा सजाया गया है, चाहे मंदिर हो या घर हो। अभी दिख नहीं रहा, दोनों तरफ से बोर्ड लग गए हैं। दोस्तों आप सभी को हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो अपनी दिखा रहे हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन बहुत ही अच्छी लगने वाली है। बहुत अच्छा, उधर भी बहुत खूबसूरत सजाया गया है लता मंगेशकर चौक पे। दोस्तों लता मंगेशकर चौक के बहुत करीब हैं, 50 मीटर दूरी पे हैं। और आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, यह असम जो 10 इधर है और 10 उधर है और उस साइड भी वैसा है, और बीच में एक दिखाया मैंने, ये आप देख सकते हैं किस तरह लग रहा है। और दोस्तों हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये आप देखिए किस तरह से सूर्यास्त लग रहा है, और इस साइड लेके चलते हैं, ये देखिए। और ये देखिए जगह जगह बोल रहा था भंडारा हो रहा, और ये बहुत ही खूबसूरत इस समय सजाया गया है। ये आप देखिए, ये जो लाइट बता रहा था लाइट, ये देखिए बहुत लोग वहाँ का वीडियो बना रहे हैं लाइट का। और इस साइड ले सकते हैं राइट साइड, यहाँ देखिए दोस्तों किस तरह से लाइट लग रही है। वहाँ तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ, लेकिन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है यहाँ, बहुत लोग फोटो निकाल रहे हैं, रील बना रहे हैं यहाँ पे।
ये देखिए दोस्तों, जो हीटर लगाया गया है ठंडी में, आप कमेंट में बताना कैसा लग रहा। बहुत खूबसूरत है और इसमें आग भी बहुत खूबसूरत है। देखो मैंने आग कर रहा, बहुत अच्छा है, बहुत राहत है इसमें। जिस तरह ठंडी लग रहा है उसमें तो दोस्तों बहुत अच्छा है। ये देखो दोस्तों, हमने आप सभी को धर्मपथ की वीडियो दिखाई। हमारी वीडियो कैसी लगी और कहां कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।